नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल दिन मंगलवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू, बिहार में सुरक्षा सेवकों के खिलाफ विभाग ने की कार्रवाई। 10 अप्रैल से दर्शक तारा मंडल का कर सकेंगे दीदार। राज्यपाल ने बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की बुलाई बैठक। डीएलएड का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड। नॉमिनी का चुनाव करना इस कारण होता है जरूरी। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने 191 पदों पर निकाली भर्ती। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, ड्रग कोऑर्डिनेटर समेत कई पदों पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 191 पदों पर है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विशिष्ट विषय में बीटेक या एएमआईआई होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुका है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के साथ होती है। आज कलश स्थापना की जाएगी। मालूम हो कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। आज पूजा का शुभ मुहूर्त 7:30 से लेकर 8:45 तक है। अभिजीत मुहूर्त 12:15 के आसपास से शुरू हो रहा है। इस मुहूर्त को कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पटना के इस्कॉन मंदिर के बारे में। पटना में स्थित इस्कॉन मंदिर लोगों के बीच बांके बिहारी जी के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की नक्काशी बेहद ही खूबसूरती के साथ की गई है। इस मंदिर में आपको जगह जगह भगवान कृष्ण से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को देखने मिल जाएंगे। यहाँ का वातावरण बेहद ही साफ और स्वच्छ है। यहाँ पर एक ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र भी है। मंदिर परिसर में गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ काफी स्वादिष्ट कई तरह के व्यंजन भी मिलते हैं। यदि आप पटना आ रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। आईटीआई की 32,000 से अधिक सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। बिहार में आईटीआई की 32,772 सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। वहीं 9 जून को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परिषद यानी BCECB की आधिकारिक वेबसाइट https://bcecboard.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मालूम हो कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 मई है। इसके अलावा ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 6 मई है। 8 से 11 मई तक आवेदक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। 28 मई को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इसके बाद 9 जून को परीक्षा होगी। जानकारी के अनुसार 7 चरणों में आवेदन पूरा होगा। बाइक के इंजन में सीसी का जाने मतलब। अधिकतर बाइक में 90 से लेकर 110 सीसी के इंजन का उपयोग किया जाता है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। रोजाना के सामान्य जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाइक या कार के इंजन की क्षमता को सीसी के जरिए दर्शाया जाता है। इसके ज़्यादा कम होने पर माइलेज, परफॉर्मेंस और कीमत आदि पर प्रभाव पड़ता है। सीसी का मतलब क्यूबिक कैपेसिटी से है। इससे इंजन के अधिकतम पावर के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। इंजन में सीसी के आधार पर ही एक बार में पावर जनरेट होगी। वाहन कितने फ्यूल की खपत करता है ये सीसी पर ही निर्भर करता है। बिहार में शिक्षा सेवकों के खिलाफ विभाग ने की कार्रवाई। बिहार में शिक्षा सेवकों के खिलाफ शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। 1,062 शिक्षा सेवकों पर वेतन में कटौती की कार्रवाई की गई है। वहीं 768 शिक्षा सेवकों के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। बताया जाता है कि मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश के रोहतास जिले के 1 शिक्षा सेवक और पश्चिम बंगाल के 6 शिक्षा सेवकों को बर्खास्त करने का कार्रवाई भी किया गया है। बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण 1,838 शिक्षा सेवकों पर एक्शन लिया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा 7 शिक्षा सेवकों को बर्खास्त कर दिया गया है।
पटना में गेस्ट टीचर्स ने भाजपा कार्यालय के बाहर किया हंगामा। पटना में गेस्ट टीचर्स ने भाजपा कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया है। कंप्यूटर के शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। इससे पहले उन्होंने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि 5 साल के लिए इनकी अलग अलग एजेंसी के द्वारा बहाली ली गई थी, वहीं अब इन्हें 6 महीने के बाद ही स्कूलों से निकाला जा रहा है। साथ ही इन्हें वेतन भी नहीं मिला है, इस कारण ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मालूम हो कि शिक्षा विभाग की ओर से आदित्य शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद इन्होंने भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नॉमिनी का चुनाव करना इस कारण होता है जरूरी, किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन में नॉमिनी का चुनाव करना जरूरी होता है। ये आपके और आपकी संपत्ति दोनों के लिए ही जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने, कोई बीमा लेने या शेयर बाजार में निवेश करने के दौरान नॉमिनी का चयन नहीं करने पर नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। RBI की ओर से नॉमिनी को भी चुनने की सलाह दी जाती है। नॉमिनी आपकी संपत्ति का हकदार नहीं होता, ये इसे उत्तराधिकारी या लाभार्थी भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये आपकी संपत्ति के लिए ट्रस्टी होता है। ये आपके उत्तराधिकारी में आपकी संपत्ति को आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बांटता है। सनातन नव वर्ष पर हनुमान जी पहनेंगे लाखों का स्वर्ण मुकुट हार। सनातन नव वर्ष पर हनुमान जी पटना के महावीर मंदिर में लाखों का स्वर्ण मुकुट हार पहनेंगे। आचार्य किशोर कुणाल ने इससे संबंधित जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की संस्था मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से चेन्नई की एक एजेंसी से शुद्ध सोना खरीदा गया है। स्वर्ण जड़ित मुकुट के साथ ही हार भी बनवाया गया है। इसमें 24 कैरेट के 999 या 9 के सुत्ता का 160 ग्राम के सोने को लगाया गया है। इस सोने की कीमत 10,99,000 रुपए है। वहीं मुकुट और हार को बनवाने में 1,24,000 रुपए खर्च किए गए हैं। मालूम हो कि महावीर मंदिर में रामनवमी की तैयारी शुरू हो चुकी है और फूलों की बारिश में रामलला का प्राकट्य होगा। DLED का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। 10 से 30 अप्रैल तक DLED की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी BSEB की आधिकारिक वेबसाइट https://biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लॉगिन किया जा सकता है। क्लिक करने के बाद ही प्रवेश पत्र ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। आपको बता दें कि DLED की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वरी दुबे के बारे में। बिंदेश्वरी दुबे एक स्वतंत्रता सेनानी, ट्रेड यूनियनवादी और राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म 14 जनवरी वर्ष 1921 में बिहार के भोजपुर में हुआ था। ये बिहार के 17वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन्होंने ही अपराधियों और अन्य असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने के लिए चंपारण में ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया था। बिहार सरकार द्वारा हर साल इनकी जयंती एक राजकीय समारोह के रूप में आयोजित होती 20 जनवरी 1993 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राज्यपाल ने बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की बुलाई बैठक। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा शिक्षा विभाग की 6वीं बार बैठक बुलाई गई है। इसमें कुलपति नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद आज राज्यपाल ने बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की बैठक बुलाई है। इसमें राज्यपाल के द्वारा शिक्षा विभाग के भेजे गए पत्र से विश्वविद्यालयों में आ रही बाधाओं पर चर्चा की जाएगी। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग ने परीक्षा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। इसमें किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं पहुंचे। अब राज्यपाल ने खुद शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई है। बिहार में आज का मौसम रहेगा शुष्क। प्रदेश में राजधानी पटना समेत कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग द्वारा मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान लगाया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन 11 और 12 अप्रैल को प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का तापमान 36 से 38 डिग्री और 38 से 40 डिग्री रहने की बात कही गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की बात कही गई है। 10 अप्रैल से दर्शक तारा मंडल का कर सकेंगे दीदार। 10 अप्रैल से दर्शक तारा मंडल का दीदार कर सकेंगे। इसमें हर दिन 8 शो चलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बुकिंग भी कराया जा सकेगा। मालूम हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 फरवरी को तारा मंडल का उद्घाटन किया था। इसके बाद इसे मेंटेनेंस के कारण आम दर्शकों के लिए नहीं खोला गया था, लेकिन अब इसे 10 अप्रैल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वर्तमान में तारा मंडल में 200 सीटों की क्षमता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक तारा मंडल के खुले रहने का समय है।
बिहार के कई शिक्षकों की डिग्री संदेह के घेरे में, बिहार में कई नियोजित शिक्षकों की डिग्री संदेह के घेरे में है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के बुलाने के बाद भी अलग अलग जिलों से 400 से अधिक नियोजित शिक्षक सत्यापन के काम के लिए नहीं पहुंचे। इन सभी शिक्षकों की जिलावार सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही संबंधित जिलों को इन सूची को भेजने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलों के स्तर से पूरे मामले की जांच की जाएगी। इसके बाद आगे विभाग की ओर से पूरे मामले पर फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1205 नियोजित शिक्षकों के बीटेड, सीटेड या स्टेट का रोल नंबर सर्टिफिकेट पर सामान था। इसके बाद इन्हें मुख्यालय बुलाया गया था और कई शिक्षक यहाँ नहीं पहुंचे। पप्पू यादव ने नामांकन नहीं लिया वापस, दूसरे चरण में 50 प्रत्याशी उतरे चुनावी मैदान में। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय बनती जा रही है। महागठबंधन की तरफ से जहां राजद की बीमा भारती ने इस सीट पर अपना नामांकन दर्ज करवाया था, वहीं कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू यादव ने भी गठबंधन के विरुद्ध जाकर पूर्णिया लोकसभा सीट से अपना ताल ठोक दिया है। कांग्रेस पप्पू यादव पर काफी दबाव भी बना रही थी, बावजूद इसके उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और अब उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा कैंची का सिंबल भी दे दिया गया है। दूसरे चरण में बिहार में कुल 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका जिला शामिल है। जमुई और नवादा के बाद गया में गरजेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पीएम मोदी की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम के अब तक 2 चुनावी सभा को संबोधित किया है। नवादा और जमुई के बाद पीएम मोदी गया में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये इनका तीसरा चुनावी दौरा होने वाला है। पीएम 16 अप्रैल को गया में चुनावी सभा करेंगे। यहां एनडीए के साझा प्रत्याशी जीतन राम मांझी के लिए वोट अपील करेंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने खुद इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 16 अप्रैल को पीएम गया आएंगे, इस बात से वे काफी खुश हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर किया पलटवार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो पहले कहते थे कि ये अच्छा काम करेगा, आगे यही सब कुछ देखेगा। पीएम मोदी और अमित शाह के बारे में कहते थे कि ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, अब सब कुछ बदल गया है, मुझे झूठा बताया जा रहा है। उनकी बातों पर अधिक टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। तंज करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे मन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सम्मान भाव है, इसलिए उनके बारे में अधिक नहीं बोलना चाहते हैं। विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री के वायरल वीडियो को बताया फर्जी। मंत्री विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री के वायरल वीडियो को फर्जी बताया है और कहा है कि वे मंच पर मौजूद थे। विजुअल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं कि वे पीएम का पैर छू रहे हैं। विजय चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। आपको बता दें कि आरजेडी के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया गया है। इसमें लिखा गया है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे वीडियो को जमकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को मंत्री विजय चौधरी ने फर्जी बताया है। प्रशांत कसो ने इलेक्शन लड़ने को लेकर दिया बड़ा बयान। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत कसो ने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 35 सालों के शासनकाल से लोग परेशान हो चुके हैं, अब बिहार में नए राजनीतिक दल के लिए जगह बन चुकी है। आने वाले समय में उनका अभियान एक राजनीतिक दल का रूप ले लेगा और साथ ही वो चुनाव भी लड़ेंगे। प्रशांत कसो ने कहा है कि 35 सालों के शासनकाल के बाद विरोधी लहर खड़ी हो चुकी है, वो दल का गठन करेंगे और विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। प्रशांत कसोर के अनुसार बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में दलों के पास जगह है। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों ने 4-4 मैच में समान 2 जीत हासिल की है। इन्होंने 2 मैच को गवाया है। ये दोनों टीम उन 4 टीमें हैं जिन्होंने 4-4 अंक हासिल किए हैं। वहीं पिछले मैच में दोनों टीमों ने जीत हासिल की थी। इस बार भी दोनों टीम मुकाबले को जीतने का पूरा प्रयास करेगी। अंक तालिका में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाएगा। दोनों का प्रयास है कि जीत हासिल कर तालिका में आगे बढ़ने में लगी हुई है। बता दें कि दोनों ही टीम के गेंदबाज आक्रामक हैं, इस कारण आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1965 में कच्छ के रण में भारत पाक में युद्ध छिड़ा था। आज के दिन वर्ष 1989 में एशिया की पहली संपूर्ण भूमिगत संजय जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। आज के दिन वर्ष 2008 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 2007-08 में अपने कारोबार में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 21% तक अधिक वृद्धि की थी। आज के दिन वर्ष 2010 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने अंतर जिला भर्तियों पर पाबंदी लगाए जाने संबंधी विधेयक पारित हो गया था। आज के दिन वर्ष 1929 में भारतीय संगीतकार सरन रानी का जन्म हुआ था।
आज के इस वायरल खबर में हम बात करेंगे बिजली बिल को लेकर वायरल हो रहे इस दावे के बारे में। सोशल मीडिया पर बिजली बिल को लेकर एक खबर वायरल हो रही है। इस वायरल हो रहे खबर में दावा किया जा रहा है कि यदि आप अपने बिजली बिल को अपडेट नहीं करते हैं तो आपके बिजली को काटा जा सकता है। बिजली बिल अपडेट करने के लिए वायरल हो रहे इस नोटिस में नंबर भी दिया गया है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ये नोटिस ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है, लेकिन आपको बता दें कि वायरल हो रही ये सूचना पूरी तरह से फर्जी है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई भी सूचना किसी को भी नहीं भेजी गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर किया है, जहां इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। लॉन्ग प्रेस करते ही सीधा फोटो गैलरी में पहुंचने के लिए व्हाट्सएप का आया नया फीचर। लॉन्ग प्रेस करते ही सीधा फोटो गैलरी में पहुंचने के लिए व्हाट्सएप का नया फीचर आ गया है। बताया जाता है कि यूजर चैट बार की लेफ्ट साइड में दिए गए प्लस आइकन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसके बाद वो सीधा फोटो गैलरी में पहुँच जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये फीचर जल्द ही यूजर्स के पास पहुंच जाएंगे। फिलहाल इसे व्हाट्सएप iOS 24.7.75 के लिए लाया गया है। इसके बाद जल्द ही इसे एंड्रॉयड के लिए लाया जाएगा। अब यूजर्स को नया अनुभव मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर वीडियो को लेकर भी व्हाट्सएप के द्वारा फीचर डेवलप किया जा रहा है। सराफा बाजार में सोने के दाम में लग रहा आग। सराफा बाजार में सोने का दाम कॉमोडिटी एक्सचेंज MCX पर रिकॉर्ड हाई पर आ चुका है। 350 रुपये उछाल के साथ दिल्ली NCR में सोने के दाम में उछाल के साथ 71,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुआ है। वहीं सोना 71,350 रुपये पर कारोबारी सत्र में बना हुआ था। सोने के दाम में बढ़ोतरी के साथ ही चांदी के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। दिल्ली NCR के सराफा बाजार में चांदी के दाम 800 रुपये के उछाल के साथ 84,000 रुपये प्रति किलो पर जा पहुँचा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नर प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 2 अप्रैल, ऑप्शन बी है 4 अप्रैल, ऑप्शन सी है 3 अप्रैल, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 4 अप्रैल। हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए PTI, ऑप्शन बी है इंडिया टुडे ग्रुप, ऑप्शन सी है IIT कानपुर, ऑप्शन डी है न्यूज 18 नेटवर्क। इसका सही उत्तर है PTI। हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जिन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद में, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी में, ऑप्शन सी IIT मुंबई में, ऑप्शन डी IIT मद्रास में। इसका सही उत्तर है IIT मुंबई में। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राज्यपाल। निम्न में से किस जिले में दियारा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता है? ऑप्शन ए खगड़िया, ऑप्शन बी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है अररिया। इसका सही उत्तर है खगड़िया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, राजेश मांझी, मोहम्मद साकिर हुसैन, ईश्वर मांझी, पवन सिंह, गोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, बिट्टू कुमार, राम बाबू यादव, कृष्णा प्रसाद, भरत प्रसाद, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, प्रियांशु, अभिषेक कुमार, पंकज कुमार, नौसाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है, आपके मुताबिक बिहार के किस लोकसभा सीट पर सबसे रोमांचक चुनाव होने वाला है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।